नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट तेजस्वी हांडा, ओके। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी ओटी पास आउट किया है और आर्मी एविएशन कोर उन्होंने ऑप्ट किया है। और ही वॉज माई स्टूडेंट जब इनिशियली वी स्टार्टेड डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी, तो ही वॉज इन द फर्स्ट बैच। ये एनडीए के लिए मेरे पास आए थे बट कुडंट क्वालिफाई एनडीए, बट लेटर ऑन एट द एंड इवेंचुअली अचीव्ड वट एवर ही वॉन्टेड टू अचीव। और आज ये लेफ्टिनेंट है। नाउ ओवर टू हिम, आप जो बोलना है बच्चों को, जो भी मोटिवेशन देना है। लेकिन कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इन बिटवीन लाते रहूँगा, ठीक है? ठीक। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड देन। हेलो एवरीवन, आई एम लेफ्टिनेंट तेजस्वी कुमार हांडा। आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम डिफेंस ऑफिसर एकेडमी इन ईयर 2016। दैट वाज द फाउंडेशन ईयर ऑफ द एकेडमी। सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स टू सूरज सर, एंड ही गाइडेड मी टुवर्ड्स एनडीए एग्जामिनेशन, बट इवेंचुअली वाज नॉट एबल टू क्लियर एनडीए। देयर आफ्टर आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम होटल मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईएम देहरादून। एंड फ्रॉम थर्ड ईयर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर द सी डी एस ओटी एग्जामिनेशंस। इट वॉज माई सिक्स्थ अटैम्प्ट आई मेड इट टू द अकेडमी टू ओटीए, एंड आफ्टर 11 months ऑफ ट्रेनिंग आई एम हेयर। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट सर अ लॉन्ग टाइम 7 years, एंड रियली प्राउड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड सर एज वेल। एंड एज आई मेट स्टूडेंट्स ऑफ RIMC, दे आर ऑल्सो वेरी मच मोटिवेटेड टू जॉइन द मिलिट्री करियर, एंड आई होप ऑल ऑफ देम मेक द अकेडमी RIMC एंड इट। तो बेसिकली मैंने इसको इनवाइट किया आज कि वी हैव RIMC स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर RIMC हियर। तो इसने बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट किया और अपनी लाइफ के बारे में बताया। वही मैं चाहता हूँ कि जो और भी बच्चे हैं जो हमसे यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं, एक सेशन उनके लिए भी ज़रूर लाऊं। और मेरे अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये खासकर बताएगा हमारे स्टूडेंट्स को जो हमसे यूट्यूब में लाइव जुड़ते हैं कि RIMC में पढ़ने से क्या डिफरेंस है, क्योंकि ही हैज़ फाउंड देयर सम ट्रेनीज विथ हिम दोज़ वर फ्रॉम RIMC। तो क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या डिफरेंस लगता है कि जो RIMC में पढ़ के आते हैं ट्रेनिंग में? इनिशियली यू आर वेल ग्रूम्ड फ्रॉम क्लास 8 to 12th इन RIMC। वंस यू स्टेप आउट टूवर्ड्स द अकेडमी, सो यू आर वेल ट्रेंड एंड योर ऑरा इज डिफरेंट अमंग द अदर कैडेट्स। सो द DS, द इंस्ट्रक्टर स्टाफ इज एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ देम। सो द ट्रेनीज फ्रॉम RIMC, RMS सैनिक स्कूल, दे आर मच ट्रेंड देन अस, बिकॉज उनकी शुरू से वैसी ग्रूमिंग होती आ रही है और हमें वहाँ जाके सीखना है। बट दे नो हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू हैंडल थिंग्स, सो दे आर टैक्टिकली वेरी स्ट्रांग फ्रॉम अस, सो वी लर्न फ्रॉम देम। सो इफ यू आर बिगिनिंग योर करियर इन मिलिट्री फ्रॉम RIMC, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक बच्चों को क्लास 7th ऑनवर्ड्स ही मोटिवेशन देना चाहिए कि आप सैनिक स्कूल, RIMC, RMS में ज़रूर जाओ। ओके। तो मेरे अंदर तो बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, क्योंकि 2016 की बात है व्हेन ही विजिटेड अर एकेडमी फॉर एनडीए प्रिपरेशन। तो फिर उसके बाद एज ही टोल्ड कि नहीं हो पाया, उसके बाद यू जॉइंड आई थिंक होटल मैनेजमेंट, होटल ठीक मैनेजमेंट। है? फिर क्या हुआ, मतलब व्हाट वाज योर जर्नी, बीच का बताओ मुझे, क्योंकि ठीक है इनिशियली ही डिड द प्रिपरेशन फॉर एनडीए नहीं हो पाया, और फिर डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि नाउ ही इज़ अ लेफ्टिनेंट। ओके, बीच का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जानने के लिए, कैसे वो ग्रूमिंग करी, कैसे अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करा, क्योंकि SSB में काफ़ी डाइसी सिचुएशन रहती है सिचुएशन बच्चों के रहती लिए, है। और ज़्यादातर बच्चे मुझे लगता है कि SSB क्वालिफाई नहीं कर पाते। यस, एंड व्हाट आई फील पर्सनली दैट इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिल्कुल। एंड ऑल। और इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट है SSB के लिए, क्या लगता है? ऐसे कुछ मेरे अंदर क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से ही मुझे मिले हैं, तो क्या लगता ओके, है कैसे ग्रूम करें बच्चे खुद को, और क्या वो SSB में कर सकते हैं? सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से दैट इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर। आपको इफेक्टिवली इफ यू कैन कम्युनिकेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अपने आप को एक्सप्रेसिवली एक्सप्रेस कर सकते हो इंटरव्यू ऑफिसर के आगे,
टूवर्ड्स एनी वन. तो मेन इज द कॉन्फिडेंस, बाई आप कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को शो कर सकते हो. तो इंग्लिश इज कंपल्सरी बट इट्स नॉट अ बैरियर टू अकम्पलिश योर गोल्स. टॉकिंग अबाउट माई जर्नी फ्रॉम क्लास 12, मैं एक चीज इंटरप्ट करूंगा, मतलब यू वांट टू से कि पूरी प्रोसेस में एसएसबी की वी कैन यूज हिंदी? नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए ना. इंग्लिश आनी चाहिए बट बैरियर नहीं है क्वालिफाई करने के लिए. अगर आप हल्का फुल्का कमजोर भी हो बट आप अपने आप को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस इवन इफ इन हिंदी, तो आप मेक थ्रू कर जाओगे. बट यू शुड वर्क ऑन इंग्लिश. जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मैं स्पोकन इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, तो आप अपने आप को उस चीज़ को फेस करो. आप ऑडियंस के आगे जाके बोलो और अपना डर निकालो. आई विल से कि यू विल मेक थ्रू. एंड व्हाट अबाउट द साइकोलॉजी टेस्ट? क्योंकि बड़ा एग्जॉस्टिव रहता है वो. बैक टू बैक पिक्चर्स आती हैं. आई थिंक 10 पिक्चर्स और 11 पिक्चर्स आती है. 11 पिक्चर्स, 11 पिक्चर्स बैक टू बैक आती है एंड दे हैव टू राइट. तो उनकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. और फिर वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, बैक टू बैक बड़ा एग्जॉस्टिव टेस्ट है. तो उसकी कैसे प्रैक्टिस करी या क्या एडवाइस बच्चों को देना? बेसिकली यू आर जज्ड अपॉन 10 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. सो वन क्वालिटी इज लाइक आप अपने आप को कैसे शो कर रहे हो. सो व्हेन यू आर राइटिंग योर साइकोलॉजी डोजियर्स, सो द योर हैंड राइटिंग शुड बी वेल प्रेजेंटेबल. तो पता लगता है कि यस बच्चे को अच्छे से लिखना आता है. ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ वेल. वो बात की बात है जब इंटरव्यू ऑफिसर आपको पर्सनली इंटरव्यू करेगा तब आपकी पर्सनैलिटी देगा. बट फ्रॉम दैट पेपर यू नो दैट ही हैज़ रिटन वेल, ही हैज़ टेकन द मार्जिन्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर वेल, फॉर्मेशन है उसकी, तो दैट इज़ अ गुड फॉर्म. आपका पहला इंप्रेशन वैसे पड़ता है. टॉकिंग अबाउट दैट, इट इज़ अ एग्जॉस्टिव प्रोसेस. यस, यू हैव टू राइट कंटिन्यूसली फॉर 2 hours. द फर्स्ट टेस्ट इज टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. यू विल बी फ्लैश विद 10 slides. 30 seconds के लिए एक पिक्चर शो करी जाएगी. उसके बाद 4 minutes मिलेंगे आपको, उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है. तो ऐसे 10 situations दिखाई जाएंगे, 10 slides दिखाई जाएंगी. उस पर आपने नेक्स्ट 4 minutes में, फॉर एवरी स्लाइड 4 minutes आपको दिए जाएंगे और आपने स्टोरी लिखनी है. लास्ट इज अ ब्लैंक स्लाइड. इन ब्लैंक स्लाइड यू हैव टू इमेजिन योर ओन पिक्चर, राइट अ स्टोरी ऑन दैट. ओके, ठीक है. दिस इज द टैट टेस्ट. नेक्स्ट इज अ वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. तो 60 words विल बी फ्लैश ऑन द स्क्रीन. एक इंटरप्ट करूंगा. तो एज यू हैव सेड कि लास्ट में ब्लैंक पिक्चर दिखाई जाती है. सो व्हाट हैव यू इमेजिन्ड, व्हाट पिक्चर हैव यू इमेजिन्ड एंड व्हाट हैव यू रिटन इन शॉर्ट, अगर बता सकते हो. आई रोट अबाउट माय स्टोरी, लाइक वेयर आई सफर्ड फेलियर्स एंड हाउ आई मेड थ्रू टू द SSB सेंटर. तो वैसे आई रोट पैराग्राफ अबाउट माई स्टोरी, अबाउट योर स्टोरी. मतलब सो कि उस कैरेक्टर ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया कि वो रिटन एग्जाम क्लियर करे और SSB फेस करे. तो दैट वॉज माई ब्लैंक पिक्चर स्टोरी. तो नेक्स्ट टेस्ट इज द वैट. 60 words विल बी फ्लैश्ड वन आफ्टर द अदर एंड ईच वर्ड विल बी गिवन 15 seconds. तो उस 15 seconds में आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक सेंटेंस बनाना है. हाँ यार, ये थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है. so, कि क्योंकि उनके दिमाग में ये भी रहता है कि जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे इट शुड रिफ्लेक्ट अवर पर्सनैलिटी इन दैट. और फिर वो सोच में रहता है. दे गेट ओनली 15 seconds. यस, ईच वर्ड 15 seconds. तो हाँ, सो आप पे इतने सोचने का टाइम नहीं होता. तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आएगी आफ्टर सीइंग दैट वर्ड, यू हैव टू राइट दैट. सो दैट ऑटोमेटिकली टेल्स योर पर्सनैलिटी एंड जो आपके लाइफ स्टाइल में चीज़ें चल रही हैं, आप उसी चीज़ को उसमें लिखोगे. क्योंकि तो अगर आप ज़्यादा सोचोगे पॉजिटिविटी दिखाने की, तो वो वर्ड चला जाएगा. तो इफ़ अ ब्लैंक वर्ड इज़ गॉन, तो ऑफिसर को पता लग जाएगा भाई हाँ ये इस चीज़ पे सोच रहा था, मे बी ही इज़ गेटिंग स्टक इन दिस. तो राइट वट एवर कम्स इन योर माइंड, इवन इफ इट इज़ अ सिंगल वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड. डो नॉट लीव एनी ऑफ द वर्ड. डो नॉट लीव एनी वर्ड. So that gives a negative impression. So this is the VAT VAT test. Next, कोई example दे दो एक, जैसे बड़े negative words भी आते हैं उसमें. So any negative word like hate, death, sex, rape. So these words are like your brain is jammed. कि अब इसमें क्या लिखना है. तो उस चीज को आपने कैसे, जैसे suppose I'm giving you a word rape. Rape में क्या क्या लिखेंगे? Like
सेक्स एजुकेशन कैन कर्ब रेप केसेस, तो दिस कैन बी अ वर्ड फॉर सेंटेंस फॉर दैट. ओके ओके. तो उसकी पॉजिटिविटी लिखनी है और प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए वर्ड्स में. शुड कुड कैन कुड ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दैट यू शुड डू दिस यू शुड डू दैट. उनको पता है बट कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिख दो दैट विल मेक थ्रू द बैड सेक्शन. ओके. एंड देन नेक्स्ट इज द SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. So 60 situations will be there and you will get half an hour. For the whole 60 yes. वहाँ पर एक का एक का नहीं एक के लिए इतना टाइम मिलेगा. हाँ. ऐसा नहीं है. So like I did 40 but handle each situation well with number of actions. Like if you are going on a train and you saw that your luggage is not there, so what will you do now? So you can say that you will ask about your luggage from the co-passengers, inform the TT and report at the next station. So this is the reaction towards reaction that situation. Okay. Or you are going on a journey with your friends, your tire got deflated and you are amidst the jungle, what will you do now? So you will apply a stepney, comma, you will inform the parents, comma, and reach home safely. So this situation, how you handle that situation. So ऐसे number of situations you will get. तो इसमें यह assessment होता है कि आप चीज़ों को कैसे संभालते हो, कैसे organize करते हो. तो with number of actions you tell your personality, yeah, how you deal with each situation in your life. So the last test is the self description test. Here you tell about your parents, your teachers, what they think about yourself. What I think about myself, what my parents think about myself, what my teachers think about myself, what my friends think about myself, and what are my aim in my upcoming life. So it's a self-description test. My weaknesses, my strengths, I'll write on the paper. So ये भी थोड़ा सा मुझे बड़ा वो confusing लग रहा है. मतलब इसमें parents आपके बारे में क्या सोचते हैं, like you, फिर friends क्या सोचते हैं और ना, तो ये सब इसका basic. तो like I आज माय पेरेंट्स ओनली कि मेरे लिए राइट समथिंग दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी. तो आई तो गिव अ पेपर टू माय मदर कि मेरे लिए मेरे को लिख के बताओ. बाकी तो वैसे पता ही होता है मेरे को. ये बहुत अच्छी चीज़ है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते नहीं है. नहीं ये तो आप नोट कर लीजिएगा कि अच्छा यू हैव गिवन अ पीस ऑफ पेपर टू योर मदर और पूछा कि मेरे बारे में लिखो क्या. तो हमारे मम्मी ने हिंदी में लिख दिया मेरा बच्चा बहुत मेहनती है. तो लाइक मेरे को हंसी भी आ रही थी और फिर अच्छा भी लग रहा था कि यस इतना सुनने को नहीं मिलता पेरेंट्स से. थोड़ा बच्चा शायद होता है क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन यहाँ आता है ना क्योंकि पेरेंट्स हमारे बारे में जो सोचते हैं ना वो हमें पता नहीं होता कि क्या सोचते हैं. हमें सोचते हैं कि हमें वो नालायक ही समझते हैं ना. तो क्या लिखें. तो दैट टाइम व्हेन यू रीड दैट यू विल एक्चुअली फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. यस पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. मतलब वो नोट डाउन कर लो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उनको दे दो कि आप लिखो भाई आप मेरे बारे में क्या सोचते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. But you have a general notion about your friends, about your teachers. So whatever you do, like, I obey my parents and whatever task they give me, I do it diligently. And they trust me, like, I'll do good in my studies. And they give me time to spend with my friends. So this is what your parents think about you. And among your peers, among your friends, what they think, like, he's a helpful friend, whenever we need help from him, he'll be there for us. So you can write about a paragraph about your friends, what they think. And about your teachers, yes, he asks number of doubts. And my teachers think like he has a good junior senior bonding and he is involved in extracurricular activities. So yes, this a general notion is set in your mind ki haan मैं ऐसा हूँ एंड मेरे टीचर्स मेरे फ्रेंड मेरे पेरेंट्स ऐसे ही सोचते होंगे मेरे बारे में. तो द साइकोलॉजिस्ट हैव अ जनरल आइडिया कि या ये लड़का ऐसा ही है या दिस कैडेट इज़ लाइक दिस ओनली. इसकी स्टोरीज भी यही रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इसके वर्ड्स भी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन भी ऐसे हैंडल करता है और जो इसने सेल्फ डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें भी इसने कुछ झूठ नहीं लिखा है. और ये चीज़ यू विल गेट काउंटर क्वेश्चन इन इंटरव्यू ऑल्सो क्योंकि दैट डोजर इज चेक्ड.
डिलीजेंटली एंड वो क्रॉस क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी कर लेगा। अच्छा इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू है, यस ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू पहले हो जाए। यस नो नो नो। ओके तो साइक टेस्ट इज ऑन सेकेंड डे, फर्स्ट डे इज स्क्रीनिंग राउंड, सेकेंड डे इज साइक टेस्ट, देन थर्ड एंड फोर्थ डे इज योर GTO टास्क, एंड इन दोज 2 डेज योर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड एनी टाइम ओके ऑन दोज जी टी ऑन ओ दिस टास्क। जी टी ओ या डेज ओके यू विल बी इन्फॉर्म्ड कि नाउ दिस टेस्ट नंबर विल बी हैविंग योर इंटरव्यू। थर्ड एंड फोर्थ डे हैज GTO एंड इंटरव्यू राउंड, एंड फिफ्थ डे इज अ कॉन्फ्रेंस। So your dossier is checked very diligently and it will be cross questioned in your interview. So the theme of the SSV मनसा कर्मा वाचा, तो जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, वो एक उसमें होना चाहिए, सिंक सिंक में, सिंक देन ओनली यू विल गेट थ्रू दैट। वो दैट्स वॉट आई थिंक टूवर्ड्स अप्रोच टूवर्ड्स SSV, एंड दैट आई अप्लाइड गॉट थ्रू। ओके। तो चलिए ये तो SSB में आपने बताया सारी, तो व्हाट यू हैव डन इन इन दोस पीरियड अपने आप को ग्रूम करने के लिए, बेसिकली इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओ। तो वो जो दिन थे आपके NDA के, आफ्टर NDA व्हेन यू वर परसुइंग योर ग्रेजुएशन, उसमें क्या माइंड में चल रहा था और क्या किस तरीके से तैयारी करी? हैव यू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर दिस या खुद से ही आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी? सर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड फ्रॉम द थर्ड ईयर ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिफेंस एग्जाम। सो आई स्टार्टेड गिविंग FCAT TDS एग्जाम्स। आई वॉज नॉट कन्फर्म अबाउट द स्टडी मटेरियल, सो आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब इंटरनेट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, कहाँ से फुल सिलेबस कवर हो सकता है। सो टू अटेम्प्ट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर FCAT। फ्रॉम द थर्ड अटेम्प्ट आई वॉज एबल टू क्लियर FCAT। देन FCAT आई वॉज एबल टू क्लियर, बट CDS वॉज अ प्रॉब्लम दैट आई वॉज ओवर अटेम्प्टिंग, और मे बी देर वॉज प्रॉब्लम इन माई स्टडी मटीरियल दैट आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई CDS एग्जाम। तो FCAT वॉज गोइंग, आई गेव 4 SSBs ऑफ FCAT, बट CDS वॉज नॉट, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर। इन द सिक्स अटेम्प्ट आई वॉज एबल टू क्लियर द CDS रिटर्न एग्जाम। सो दिस वॉज द ओनली अटेम्प्ट वेयर आई गॉट रिकमेंडेड। दिस वॉज द फर्स्ट आर्मी SSB। आफ्टर 5, 4 आई गेव फॉर FCAT, 1 फॉर कोस्ट गार्ड, 6 SSB वॉज फॉर आर्मी। ओके सो इन दिस अटेम्प्ट आई गॉट रिकमेंडेड, एंड देर आई बिलीव दैट वाई आई वॉज गेटिंग कॉन्फिडेंस आउट एंड स्क्रीन आउट। आई न्यू कि मेरे को बोलने में डर लगता सबके आगे, बट आई न्यू कि मैं इस पर काम नहीं करूँगा तो कैसे होगा। सो आई वॉन्टेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। आई रिकॉर्डेड माई वीडियोज़ इन मोबाइल, सी दैट वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, बोलने में प्रॉब्लम है, पिच कहाँ लाउड करनी है, कहाँ नहीं करनी। यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस वैन यू आर स्पीकिंग एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो वॉट यू हैव टू स्पीक। उनको नहीं पता जो आपको सुन रहे हैं, नॉलेज आपको है, आप कॉन्फिडेंटली बोलो एंड सी इन ईच अदर आई, सबकी आंखों में देख के बोलो, डरना नहीं है। तो वो चीज़ मैंने निकाली अंदर से, और फिर आई थिंक वो अच्छे से आई कुड डिलीवर द लेक्चर एट। आई नरेटेड माई ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आई वॉज चूजन यही नॉमिनेट, आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर गिविंग द कॉमन प्लान फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो माई GTO टास्क वेंट वेरी फ्लुएंटली, बिकॉज वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा दिस इज़ ऑल अच्छा गुड। ग्राउंड टास्क आपके ठीक गए? ग्राउंड टास्क वॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आई कुड कंप्लीट माई नरेशन पार्ट, ओके सो आई थॉट नाउ आई हैव टू कवर अप इन माई ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का ग्रुप डिस्कशन। आई थॉट अभी नहीं करूँगा तो अगेन आई गेट कॉन्फ्रेंस आउट, बिकॉज आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई नरेशन, रिटन नरेशन। सो देर आई पार्टिसिपेटेड वेल, वेन एवर आई गॉट अ पॉइंट आई कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो आई मेड एन इम्पैक्ट इन द ग्रुप मेंबर ऑल्सो, वन ऑफ देम नॉमिनेटेड मी दैट टेस्ट नंबर 18 शुड गिव द कॉमन प्लान। देर आई हैव गेन कॉन्फिडेंस कि नाउ आई हैव गॉट अ चांस, आई शुड नॉट लीव दिस। आई गॉट अप एंड आई नरेटेड द प्लान, आई होल्डेड द पॉइंटर स्टिक, आई नरेटेड द प्लान इफेक्टिवली, डेट टाइम डिस्टेंस एवरीथिंग। एवरी वन वॉज सेटिस्फाइड विद द प्लान। सो फ्रॉम दैट टेस्ट आई गेन कॉन्फिडेंस, लाइक आई कैन डू गुड इन GTO, द फुल GTO टास्क।
then I participated well in PGT, HGT, number of obstacle rounds you have. So you don't know, but you are getting noticed by the GTO. He is wearing a black goggles, but he is noticing you. You don't know he is looking at you or not. Keep on adding your points, you will get noticed. So it's like very easy. GTO is easy. Nothing to worry about GTO. Then I think people get stuck in psych third. Like they don't show practicality in the stories, in their sentences. Mainly they write award seeking video stories. Like usne ye jeeta medal aur usko president's award mil raha. So that's not practical. So write stories which are related to your lifestyle or background, so you will make through. There will be no problem. And talking about the interview, you will master only if you speak truth and be confident whatever you are speaking. Whatever you have done in your life, the same questions he'll be asking. Have presence of mind in rapid fires, because you know ki 10 question ek sath fire ho gaye. हाँ भाई ये था, पर 10 के आंसर देने हैं एक एक करके. टेक टाइम कि क्या रिकॉल करो कि व्हाट क्वेश्चंस द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड. सो यू विल मेक थ्रू एन इंटरव्यू एज वेल. नो नीड टू ब्लफ एनीथिंग. व्हाट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, स्पीक दैट. कोई ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा हो इंटरव्यूअर ने जो याद आ रहा हो? या ही आस्क्ड अबाउट माई टाई. ही आई टोल्ड हिम लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ. सो ही सेड okay, what tie are you wearing? He said, it is of my father. So he said, Allahabad mein abhi the fair going on, wahan se teko tie khareedni hai, gift it to your father. So teko ye 280 rupees ki padi and original price for 350 tha. Teko kitne percent ka discount mila? So it was a very easy question, and that time my mind got blocked. I started calculating. So he said, take your time, koi nahi, le le 2 minute le le. I couldn't answer that question. It was so easy. So like, yeah, he can ask anything. Whatever you write in your that page, dozer. Wo usse questions hote hain, but whatever you are answering, the next question will be based on that. So he'll be crossing everything, whatever you have written, whatever your psychology dozer shows. Everything will be cross-questioned. So, isliye be practical, be very honest, and don't lie about anything. That's what I will. Okay. Or fir conference mein kya hua? What they asked you in the conference? Conference, the whole panel, SSB panel said, so that's the first time you will see the officers in the dress. Because the last 5 days we are seeing them in civil dress only. So, you'll get astonished कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे आ रहे हैं कि अभी तो एक एक ही ऑफिसर था. तो he said sat down. So he asked me about my experience in the SSB center, like everything fine, yes sir, anything, any suggestion, he said. So a dessert which was served on to us on Tuesday, I said, sir, that dessert should be every day. Okay. So I said that I like that dessert, think I should provide it every day. So said, okay, then just we will consider your point. So like the conference round lasts for only 2-3 minutes. It. And when you heard your name in the, when you yes, got recommended, so after conference you will be headed to a hall. So one of the officer comes. You are sitting or your heartbeat is like dhak 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 dhak, kya hoga? But I was like, jo hoga dekhi jayegi, abhi aisa kuch karne wali baat nahi hai, you have given your best. So I was smiling and talking with my friends. So he came, announced, only 3 are recommended. So he announced test number 16. So he was Rehman Khan. He was doing well. He was in our group only in GTO. We knew ki ye kar jayega. Then came my name, chest number 18. And Guzom, I started crying. Came in front of everyone. I was looking in each one's eye ki sabko yehi hota hai ki yaar
मैं भी हो जाता, मैं भी हो जाता, मैं भी। एंड थर्ड वन वॉज चेस्ट नंबर 19। तो वी थ्री वॉज फ्रॉम ओनली द लास्ट ग्रुप, फर्स्ट टू ग्रुप्स वर वॉश्ड आउट। तो वी थ्री वर फ्रॉम द लास्ट ग्रुप। तो वी न्यू दैट आर ग्रुप डिड वेल, सो ऑल थ्री वर फ्रॉम आर ग्रुप ओनली। आप सब बच्चों का ग्रुप बना रखा था, सेवन सेवन स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, सेवन इन ईच ग्रुप। तो वी वर थ्री आउट ऑफ सेवन। एंड दूसरों को देख के लगता है अपने लिए भी खुशी होती है, पर वो मोमेंट मैं भूल नहीं पाता कि वो कैसे देख रहे होते हैं। सभी जाते हैं हो जाए, सभी जाते हैं हो जाए। तो मैंने देखा मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड विद दिस प्रोफेशन। आर्मी में आना है तो दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड ना, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। As you have told, it was your sixth, na? Sixth attempt. I don't forget that day. उससे पहले ऐसे कई moment आए होंगे कि जब conference में नाम नहीं आया होगा, conference के बाद final, ना? That was a big day for me. उसके बाद फिर आप वापस इलाहाबाद ही रुक गए for your medicals. Yes, फिर for the next 7 days we were in इलाहाबाद. Medical में मतलब in a nutshell बता दीजिए क्या क्या रहता है. तो क्या लगता है आपको कि बच्चों को कैसे फिट रहना है? Because I think you were not prepared कि मेरा medical भी होगा, ऐसा आपने सोचा नहीं था? नहीं, क्योंकि you were not like given a thought, I think for that. Like I went कि योगा देखी जाएगी, तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कि पूरा medical ही करा के जाऊँ, that was the thought. First thing is like you will get the plus sign for your medicals, that's the best part. You are recommended, you can roam around in the mess. हाँ अब हो गया है वो भी एक अलग अलग फीलिंग होगी, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, बिकॉज आई सॉ ना लाइक फर्स्ट डे ऑफ द स्क्रीनिंग दे वर पीपल हु रिकमेंडेड, तो फिर लग रहा था कि यार क्या अलग ही हो रहा है, काश हम भी हों। तो फिर बाकी के बच्चे पूछते हैं जो उस समय रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर, भैया क्या किया, कैसा किया है ना, लाइक दे आर ऑल्सो स्केर्ड अभी प्रोसेस में घुसेंगे, मतलब दे लुक यू विद अ डिफरेंट थिंग, मतलब जैसे हम देख रहे थे कि रिकमेंडेड कैंडिडेट है, वो भी हर एक कोई चाहता है, तो फिर वो लगता ही आंखों में देख के कि यस आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूर से ही। फिर फर्स्ट डे लाइक यू विल बी हेडेड टू द MH, NCO विल बी डिटेल्ड, ऑल ऑफ यू आर रिकमेंडेड विल गो टू द MH। वो एक दिन में एक ही टेस्ट होता है, लाइक आईज OPD में आईज का होगा, नेक्स्ट डे डेंटल, थर्ड डे सर्जिकल, फोर्थ डे लाइक left over ENT and all. Fifth day is the medical conference, so you'll get to know if you're getting temporary rejection. So I got temporary rejection in ear wax, I had wax in my right ear. पता ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे तो बंदा साफ करा के जाए. तो अच्छा temporary rejection का मतलब है then you have come back. Then you'll fill a form of appeal board. Okay. Appeal board I filled of Delhi Cant. Okay. Delhi MH base hospital. नहीं अगर back साफ तो वही कर लेते वहीं वहीं पर. No. अच्छा, they didn't do. Depends on MH to MH if they were or what. It's a 42 period claim. 42 days. 42 days. After 42 days you have to report. Like within 42 days. Within 42. You have to report to the appeal medical board. So I was in base hospital Delhi. अच्छा, तो बाकी सारे चेकअप्स उन्होंने कर लिए थे, बस आपको एक रिजेक्शन दे दिया था वैक्स की वजह से, फिर आप दिल्ली गए, दिल्ली में करवाया, इट वाज ओके, फिर आपको रिलीफ मिला होगा क्या? Yes. अच्छा, उसके बाद भी बच्चों को रहता है कि वो मेरिट लिस्ट में आए ना आए, वो भी है या उसके बाद श्योरिटी रहती है? फॉर बॉयज इट्स लाइक श्योर ओनली, बिकॉज यू नो वैकेंसीज आर मोर बट रिकमेंडेशंस आर लेस, बट रिवर्स इज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स का बहुत कॉम्पिटिशन है, like they are recommended 30 but vacancy is only for 70, so they are the girls ke liye tough competition, but they are very very good, humse bhi acche hain girls, like in our academy also there were girls who were recommended twice or thrice back to back, but they got married out even after being so good, so even they score more than us written also, because they know ki मेरिट मूव पर आना है तो रिटर्न का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए।
लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेनिंग. ठीक है, आपका ये जर्नी थी टिल एस एस बी. ट्रेनिंग में व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे? आपकी आपको कॉल आया होगा, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आए होंगे दैट यू हैव टू रिपोर्ट ऑन सो एंड सो डेट. जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एकेडमी में रिपोर्ट किया जा रहा है, बाल कटते हैं. तो व्हाट हैपेंड विद यू, आपके साथ क्या हुआ ऑन द फर्स्ट डे? जैसे आप पहुँचे, आप आई थिंक रेलवे स्टेशन पहुँचे होंगे. यस ओके. आई रिपोर्टेड टू द रेलवे स्टेशन. आई रिपोर्टेड वन डे प्रायर. तो दैट इवनिंग आई वेंट टू द मरीना बीच. था उसके बीच में टाइम तो मिलेगा नहीं अकेडमी में. तो आई वेंट टू द बीच विद माई फ्रेंड्स, स्टेड इन अ होटल. फ्रेंड्स सारे वही थे सिलेक्टेड? सिलेक्टेड. अच्छा, तो फ्रेंडशिप हो गई थी आपकी बिफोर? लाइक वी फॉर्मड अ व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, बिफोर दैट ओनली. तो नेक्स्ट डे वी हैव टू रिपोर्ट एट 8. लाइक यू कैन रिपोर्ट ऑल ओवर द डे, बट आई रिपोर्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग. सो इट वॉज अ मिक्सड फीलिंग, हैप्पी ऑल्सो, स्केर्ड ऑल्सो. घर से इतनी दूर आ गए, क्या होगा. तो दे वेलकम्ड अस. देयर वाज अ बस एट द मेन गेट. दे गाइडेड अस टुवर्ड्स द कंपनी. सो देयर योर डॉक्यूमेंटेशन इज डन. सो देयर इज एन इनिशियल इंटरव्यू बाय द एडजुटेंट. सो ही वेलकम्स यू. योर यू यू गेट योर कंपनी. आई गॉट कोहिमा कंपनी. अच्छा. योर एकेडमी नंबर इज अलॉटेड. कोहिमा आई थिंक. ओके. अच्छा, ये क्या कंपनी का क्या रहता है सीन इसमें? कौन कौन सी? देर आर 6 कंपनीज. अच्छा. कोहिमा, जसामी, लोरा, अशेरा, लोजिला. दे आर ऑल द नेम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट बैटल्स, बैटल्स, बैटल जोन, बैटल जोन. सो आई गॉट कोहिमा. तो कोहिमा की क्या हिस्ट्री है वो सब बताई होगी आप लोगों को. कोहिमा वॉर वॉज बिटवीन जापानीज एंड इंडियन आर्मी. एवरी कंपनी इज नेम्ड आफ्टर अ वॉर. अर्लियर देयर वर 7 कंपनीज. वन कंपनी इज डिसबैंड नाउ. वॉज बसंतर कंपनी डिसबैंड. सो लाइक द कोर्स हैड टू बी इंटीग्रेटेड. अर्लियर देयर वर 2 WCs कंपनी, वुमेन कैडेट्स. 5 companies for gentlemen cadets. Now since the training is integrated now, we have 6 companies, a mix of cadets, gentlemen and women. So, what a company, you get to know your accommodation and bada acha laga. Seniors welcome you very well. Okay. So it's a very first shocking situation. तो इस शॉकिंग सिचुएशन की कहाँ गए हैं? मैं सीनियर सेट की बैंड हो जा. नो बैंड, आई डिड लाइक दिस. ये कौन सा बैंड होता है? कॉमन हैंड्स. आई डिड नो कि बैंड क्या है. डेड इसको इतना नहीं आता. तो व्हाट्स योर एज? माय एज इज 23. 223 पुशअप्स. आई डिड. एंड सीनियर वॉज डिटेल्ड. ही टोल्ड मी this is your room. He entered the room, sat down, started crying. The first day I cried like I'm away from the family now to live alone. That day I cried. Then you get used to the routine, you meet new friends jo jo company mein aaye. Initially it was a COVID time, so we had isolation of 4 days. Okay. So the food and all came to our accommodation only, so that we get acquainted to the atmosphere also. After 4 days, the schedule started. और haircut कब होता है आप लोग? Haircut the same day only. Like that time was COVID time, so the barbers were not there in the academy, so we had to cut each other's hair only. Okay. So, I knew hair cutting, so yes. एवरी वन केम टू मी कि भाई काट दे बाल काट दे. तो आई गेव कटिंग टू ऑल ऑफ माई कोचमेट्स. और जो मेरे काटने आया उसने तो एकदम गंजा कर दिया मेरे को. ऐसे मैं तुम्हारे अच्छे काट रहा हूँ, तुमने क्या बाल काट दिए हैं. तो इट वॉज लाइक दैट. तो इनिशियली वी गेव हेयर कट टू ईच अदर, बट देन आफ्टर वन टर्म द बार्बर्स केम. वी हैड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेयर ड्रेसिंग रूम. So every week we had to take a haircut.
in the grooming. Then we acquainted towards the academy, like the daily routine. Wake up at 4 and get ready for the games period, the drill. From 5 to 7, you have your games and PT and drill. Then you come back to the competition, get ready in half an hour. Then you go for breakfast. From 8 to 8:30 is breakfast. Then afterwards, classes from 8:30 to 1:10. 5 periods, you have classes. Here we are covered with academic subjects, service subjects, military subjects, tactics. It's the main basic crux of the military studies. So that time aapko neend bhi aa rahi hoti hai, you have to study also. And then after 1:10 to 2 we have lunch, and from 2 to 4:30 we have a free time. Or there are fall-ins of company matter or not, then we'll get to know the orders of the next day. That's all till 4:30. Then we go for games 2 hours. 4:30 till, and so whatever games you want to play, you can play. And someone who is weak in PT, he goes for PT. Games period, he'll not have the privilege to play the games, he'll do PT because you have to pass your initial tests. So that's how the academy is. And then we come, once we come back from the games, we get ready, half an hour, keep our cabins on clean state, and then we have a study period of 1 hour, 7 to 8. That time we are inspected, officers are on wrong, seniors are on wrong, that we are studying or not. Okay, 1 hour is, 1 hour is given for self-study. 1 hour is given for self-study. Then we have an anti-room procedure. Anti-room is there. We assemble. We have a group discussions. We give lecturate. We discuss orders for the next day. We watch television for half an hour. Then we go for our dinner till from 8:30 to 9. And then we come back. Then if we have some fall-ins, we go for that from 9. And if you have to complete our work, can do that. So, and 10:30 is a lights out. Lights out till morning, you can have a good sleep, recover your body. That's how academy is. So initially you face difficulty in the physical training part. Yes, I was not good at running and also really pushed towards running and physical activity. Because our body is also bulky before going to the academy. So initially everyone faces difficulty, but that time the training is not that rigorous because they also know that civilian background se aaya to thoda normally pace up karte hain instructors. Acha, initially training zyada ragda nahi so that mental breakdown ekdam se na. Ekdam se. So that's how it. To kitna samay lagta hai wo? Like fitness check karne. 15-20 days you get acquainted towards like the training, and then you know they get to prepare for the test, PT test, so that maximum credits clear in the first attempt. Because you maximum credits clear karenge to company ko bhi points jaate hain towards the banner, kyunki last mein banner ke liye competition hota hai. So jo maximum clear karegi company, credits clear karegi, wo company achhi hogi eventually PT mein. So har कंपनी के लिए पीटी उस्ताद डिटेल्ड हैं, तो वो ऐसी ट्रेनिंग रहती है कि मतलब मैक्सिमम फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में पास हो जाए. बट कई होते हैं जो नहीं कर पाते हैं कोप अप, तो फिर ये एक्स्ट्रा पीटी चलती है गेम्स के टाइम या नाइट पीटी होती है, तो उनको एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है. फिर वी हैव नंबर ऑफ टेस्ट, पीटी टेस्ट वी हैव टू क्लियर, स्विमिंग टेस्ट वी हैव टू क्लियर, ड्रिल टेस्ट वी हैव टू क्लियर, एकेडमिक्स exams. We have two set of exams in each semester, each term, and weapon training, firing also test, it is also considered in our merit. So everything is planned in academy. Then we go for camps. Every 2 months we have one camp schedule.
it is more of a practical training. What we have learned in our classes, the tactics we have learned in the classes, we can apply on the field, on the ground or not. So we are taken away from the academy, 50-60 kilometers away. So they hold between the forest, between the jungle area. There we live for 1 week. We do actually what we have learned. Raid, ambush, and plan mountain warfare. So each term has two camps. So in overall training, we have 4 camps. So unke marks bhi consider hote hain mere ka performance ka. So koi na koi aapko trainings mein assess karta hai, dekhta rehta hai ki every test is assessed. Your marks are going towards the headquarters from where your merit is being prepared. Merit is considered when once you fill your choice of arms. So your merit, अगर आप अच्छे merit में, so you have high chances that आपको अपनी choice की arm मिल जाए. तो वो जो choice की arm मिलने वाला form जो होता है वो कब भरवाते हैं initially? No, 1 month before commissioning. अच्छा, 1 month before. So by that time you have already completed your 10 months of training. You know, like I have interest in this arm, this service. So one cadet can make his mind towards that. I wanted aviation, so I went aviation as my first preference. And you got aviation. I got aviation. Congratulations on that. Thank you, sir. ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. Aviation में basically क्या रोल है aviation का इंडियन आर्मी में? Aviation का रोल is multiple role, like recce and surveillance, medical evacuation, ration supply, transportation of troops. So these all roles is what army aviation plays. Combat roles, the army, the combat support arm, and very much required toward winning a battle. Main artillery ko aap bataoge ki fire kahan karna hai. Fire support ke liye bhi it's very important. Matlab it is a third dimension, you can yeah, say. The third dimension. Bird eye view से you know कि भाई this is where you want to target. So initially it was part of artillery only, now the core is from artillery. Officers from artillery used to go to aviation. Okay. So artifier support करने में role काफ़ी aviation का. Other support like medical evacuation, transportation of troops, logistics, recce and surveillance. Recce and surveillance. So this is how aviation will help, and I think near future this is what the modern warfare will. So I wanted aviation. So you wanted it. एक ऐसी याद आपकी हो OTA की जो आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, एक ऐसा पल वो जो आपको हमेशा याद रहेगा? क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, ये ऑलरेडी सेशन मेरे ख्याल से 1 hour से अबव हो गया होगा. क्या लगता है मतलब एक ऐसी एट द एंड कोई चीज़ बच्चों को बतानी हो? तो आई वुड लाइक टू रिमेंबर द इंसिडेंट वेयर आर इंस्ट्रक्टर डिडंट लेट अस स्लीप इन द नाइट. ऑल वर कॉल्ड फॉर अ फॉल इन एंड वी वर सावधान होल नाइट, एंड जो हिलता था सावधान से वो साइकिल उठानी पड़ती थी. अच्छा. The whole night we were standing in Sawdhan and we couldn't take even move our eyes also. So the real challenge was like neend bhi aa rahi hai aur hilna bhi nahi hai because cycle uthani padegi. So that was the day everyone was giving gaali ki ye kab jayega, kab jayega, kab jayega. But that instructor didn't, he left us till the morning parade. That was then it was followed by the morning parade. Yes. और फिर वो पूरा रूटीन चलता रहा, फिर वो नींद पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं कि दिन में यू गेट टाइम टू टेक रेस्ट. तो पूरा डे वी यूज्ड टू कर्स एंड क्यों लिया फॉलन, क्यों लिया, क्यों लिया. तो लाइक दीज थिंग्स मेक योर कैमराडरी आल्सो रियल कोर्समेट स्पिरिट कम फ्रॉम देयर ओनली. तो जब भी मतलब अब हम मिलेंगे तो यही बातें डिस्कस करेंगे कोर्समेट्स आपस में. कंग्रेचुलेशंस. ठीक है, मिलते रहेंगे. ओके ओके, ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.